गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फोर का साइंस बुक लेसन टू। इसमें कि आपको पूरे एक्सरसाइज का वीडियो दिया जाएगा। चैप्टर का नाम है प्लांट लिविंग एंड सर्वाइविंग। प्लांट कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, अडेप्टेशन क्या है, सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। सबसे पहला है कहता हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस वेयर अ प्लांट ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड हैबिटेट। बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका डेफिनेशन होगा हैबिटेट का। दूसरा इसी में आपको पढ़ना है हैबिटेट के लिए क्या ज़रूरी है। अडेप्टेशन, किसी भी प्लांट्स को एडजस्ट कैसे करेगा उस हैबिटेट में, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। अब कहता है कि बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। दो टाइप में बांटा गया है। पहला है जो लैंड पे ग्रो करते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, और जो वाटर में ग्रो करते हैं उसको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। कहता है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात हम करेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आप बताया जा रहा है कि देखिए, चूंकि लैंड की बात होगी तो लैंड में देखिए क्या क्या आएगा। प्लांट्स ऑन हिल एंड माउंटेन, इसको आप देख लेंगे कि हिल एंड माउंटेन पे स्प्रूस ट्री, लीव्स ऑन पाइन ट्री, मोजेज, ये देखिए प्लांट्स इन डेजर्ट, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि डेजर्ट में जो है सो बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, लिटिल रेनफॉल होता है, स्कार्सिटी होती है वाटर की। प्लांट विच ग्रो हेयर हैव लॉन्ग रूट्स, दीज रूट्स गो डीप इन टू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर। इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। कहता है प्लांट्स इन प्लेन्स, इस पर आपका क्वेश्चन भी है कि प्लेन्स में बहुत ज़्यादा प्लांट्स क्यों होते हैं। आपने देखा होगा जो आपका नॉर्मल प्लेन होता है उस पर, समतल भूमि पर ज़्यादा प्लांट्स क्यों होते हैं, क्योंकि कहता है वेराइटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड देयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेन्स आर रीजन वेयर प्लेंटी ऑफ वाटर, लाइट एंड सॉइल इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वाटर, लाइट और मिट्टी या सॉइल जिसको बोलते हैं वो अवेलेबल होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स होते हैं। आगे प्लांट्स इन मर्सी प्लेसेस, मर्सी प्लेसेस क्या होता है आप देखिए। इन सम प्लेसेस द सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड क्लेई बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई वाटर कंटेंट। वो बहुत ज़्यादा जो है सो वो होता है पानी, उसमें मिट्टी में पानी की मात्रा होती है ज़्यादा, उसको बोलते हैं मर्सी प्लेसेस। सच प्लेसेस आर कॉल्ड मर्सी और स्वैम्पसी एरियाज, कीचड़ जिसको बोलते हैं। कहता है वहाँ पे जो प्लांट्स वो करता है, ग्रो करता है, उसको कौन सा एरियल प्लांट्स है, मैंग्रोव ट्रीज बोलते हैं। कौन सा ट्रीज? मैंग्रोव ट्रीज। ये मर्सी प्लेसेस वाला आपको जो डिस्कशन है उसमें आपको जानना है कि ये मैंग्रोव ट्रीज होते हैं। क्या होते हैं? मैंग्रोव ट्रीज। मर्सी प्लेसेस पे कौन सा ट्री ग्रो करते हैं? मैंग्रोव, जिसके कहता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर द सॉइल डज नॉट हैव इनफ एयर ट्रैप्ड इन इट बट रूट्स नीड एयर, सो प्लांट्स ग्रोइंग इन सच प्लेसेस हैव रूट्स अबव द ग्राउंड टू गेट एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर, सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स या ब्रीदिंग रूट्स। आपका क्वेश्चन भी होगा एक्सरसाइज पर रिलेटेड। कोस्टल एरियाज में आप देखते होंगे, केरला वगैरह में आप देखिए कोस्टल एरियाज, जो कहता है कि कोस्टल एरिया क्या होता है, एन एरिया नियर द सी, समुद्र के नज़दीक वाला एरिया क्या कहलाता है, कोस्टल एरियाज, ठीक है। और द ट्रीज ग्रोइंग हैव हेयर हैव लॉट्स ऑफ लीव्स बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। विंटर में भी अपना जो उनका पत्ता होता है वो झड़ता नहीं है, इसलिए वो हमेशा हमेशा ग्रीन होते हैं, इसलिए उसको एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। जैसे कोकोनट, टीक, पीपर, रबर, ये सारे जो ट्रीज होते हैं वो क्या, कोस्टल एरियाज के ट्रीज होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स, अभी आपने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो एक्वेटिक मतलब कौन सा होता है, जो वाटर पे ग्रो करता है, प्लांट्स ग्रो इन वाटर, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक। इसमें तीन टाइप के हैं, फिक्स्ड दिया हुआ है, फ्लोटिंग दिया हुआ है और अंडर वाटर प्लांट्स दिया हुआ है, जो प्लांट्स वाटर के अंदर होते हैं, जो फ्लोट करते हैं या तैरते हैं, और जो फिक्स होते हैं। फिक्स कौन कौन से होते हैं तो देखिए, लोटस प्लांट्स फिक्स होते हैं। कहता है द लीव्स आर ब्रॉड एंड ग्रीन एंड दे फ्लोट ऑन वाटर, ये फ्लोट करते हैं वाटर पे, एज द लोअर सर्फेस ऑफ द लीव्स इज सबमर्ज इन वाटर। द एस्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन देयर अपर सर्फेस, द अपर सर्फेस इज ऑल्सो कोटेड विथ अ वैक्सी सब्सटेंस। ये आपको जानना है, जो एक्वेटिक प्लांट्स में फिक्स प्लांट होते हैं उसमें कहता है कि अपर सरफेस इज ऑल्सो कोटेड विद वैक्सी सब्सटेंस।
इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम स्टेइंग ऑन देम एंड ब्लॉकिंग द स्टोमाटा। ये वाटर को रुकने में, वहाँ पे वाटर रुकने में क्या करता है, बचाव करता है, वाटर को रुकने से बचाव करता है और ब्लॉकिंग स्टोमाटा। अगला है फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स लाइक डकवीड, वाटर लेटस, हयासिंथ फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, क्या करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, डकवीड, ठीक है। अगला दिया हुआ है अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स लाइक द हॉर्नवर्ट, हाइड्रिला एंड पॉन्डवीड ग्रो अंडर द वाटर, वाटर के अंदर में ग्रो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अंडरग्राउंड, सॉरी अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जांपल में कौन सा है, हॉर्नवर्ट, हाइड्रिला, पॉन्डवीड, ये सारे क्या हैं, अंडर वाटर प्लांट्स। अब सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में जानेंगे। कहता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप। देखिए वेनस फ्लाई ट्रैप जो है वो पीचर प्लांट्स या सनड्यू, ये सारे क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस। द लीव्स ऑफ अ पीचर प्लांट्स आर लाइक ए कप विथ अ लीड, ये देखिए कप के तरीके का है, दे कंटेन स्वीट नेक्टार, इसके अंदर में नेक्टार होता है, द नेक्टार अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, उस पर इंसेक्ट्स आते हैं, एज एन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट द लीड शट्स डाउन, वो लीड जो होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है और इंसेक्ट उस पर जो गिरता है वो उसके अंदर में रह जाता है और उसको आराम से वो क्या करते हैं, बट इट कैन नॉट गेट आउट, जो उसके अंदर इंसेक्ट जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता है इनर सेल से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, जब उसमें इंसेक्ट मर जाता है तो प्लांट उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ब्लेडर वोट और सनड्यू, ये सारे भी क्या हैं, इंसेक्टिवोरस। एपीफाइट्स के बारे में बोला गया है, सम प्लांट्स लाइक मोजेज एंड फर्न्स ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, देखिए अदर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, वो क्या कहलाता है, इसका कोई अपना रूट नहीं होता है, देयर रूट्स डू नॉट ग्रो इन द सॉइल, मिट्टी पे कोई अपना उसका रूट ग्रो नहीं करता है, दीज प्लांट्स अटैच देमसेल्फ टू द प्लांट्स दे ग्रो ऑन, अपने आप को उसी प्लांट पे ग्रो कर लेता है जो ऑलरेडी सॉइल से जुड़ा हुआ रहता है। आप ये देखिए एपीफाइट्स इसी को बोलते हैं। पैरासाइट्स, सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे स्टील फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, उसको क्या बोलते हैं, जो फूड दूसरे का चुरा लेता है उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। द डॉडल, क्या डॉडल प्लांट्स इंक्लूडिंग अमरबेल आर पैरासाइटिक प्लांट्स, ये देखिए अमरबेल, अपने गांव में देखा होगा पेड़ के ऊपर ये सारा लगा हुआ रहता है। ये है पर्पल स्मोक ट्री है, नॉन ग्रीन प्लांट्स, कहता है प्लांट्स आर द वंस हैविंग लिटिल क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल बहुत कम होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही प्लांट्स ग्रीन होते हैं, तो इसमें बहुत कम क्लोरोफिल होता है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। पर्पल स्मोक ट्री इसका क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए कहता है अर्लियर मशरूम, माउल्स एंड ईस्ट आर कंसिडर्ड एज नॉन ग्रीन प्लांट्स, बट नाउ दे आर क्लासिफाइड इन अ सेपरेट ग्रुप फंगाई, क्या बोलते हैं इसको, फंगाई। आपको रिमेंबर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जो जो चीज़ हमने डिस्कस किया उसी को आपको डिस्कस करना है, हैबिटेट, एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक, मार्स, एरियल रूट्स, कोस्टल एरियाज, ह्यूमिड, एवरग्रीन ट्रीज, इंसेक्टिवोरस, एपीफाइट्स, पैरासाइट्स, इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, पॉइंट्स टू रिकॉल, ये आपको लर्न करने हैं। अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, हाइड्रिला टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं है, डॉडलर, माउल्स एंड स्प्रूस ये सब टेरेस्ट्रियल हैं। इन विच ऑफ दीज प्लांट्स डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्टेम, कैक्टस में जो होता है फोटोसिंथेसिस वो स्टेम पे टेक्स प्लेस होता है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्वेटिक, एक्वेटिक कौन सा नहीं है, तो मशरूम, अभी तुरंत आपने पढ़ा मशरूम क्या है, फंगा है। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज एरियल रूट्स, मैंग्रोव ट्रीज, हमने आपको डिस्कस भी किया है। विच ऑफ दीज एन इज एन एपीफाइट्स, एपीफाइट्स के बारे में भी पढ़ा था, मॉस क्या है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ये, कहता है ट्रू, ट्रीज इन माउंटेन्स एरियाज, माउंटेनियस एरियाज स्प्रेड आउट एंड ग्रो मेनी डेंस ब्रांचेज, फॉल्स, द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग, ये ट्रू है, हमने आपको बताया था डेजर्ट प्लांट्स लॉन्ग होता है क्योंकि वहाँ पर वाटरफॉल, रेनफॉल बहुत कम होता है, द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स वेरी लॉन्ग, ट्रू है, ट्रीज ग्रोइंग इन कोस्टल एरियाज डू नॉट सेट देयर लीव्स इन विंटर, ये भी ट्रू है, आपको मैंने बताया था जो कोकोनट वगैरह का जो ट्री है वो क्या है, हमेशा एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं। द होल लोटस प्लांट इज एबल टू एब्जॉर्ब एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ये फॉल्स है।
लीव्स ऑफ ए पर्पल स्मोक ट्री डू नॉट हैव क्लोरोफिल, डू नॉट नहीं है उसमें, लिटिल क्लोरोफिल होता है, इसलिए भी क्या है, फॉल्स है। मैच द फॉलोइंग, ये सब आप कर लेंगे, ये आपको किया हुआ है, ये सारा चीज आप इसके साथ में कर लेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे भी किया हुआ, ये भी है। आंसर इन वन और टू वर्ड्स, इन विच सीजन डू ट्रीज इन प्लांट्स गेट न्यू लीव्स, स्प्रिंग, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू मैंग्रोव ट्रीज हैड, एरियल और ब्रीदिंग रूट्स, व्हाट डज द पीचर प्लांट कंटेन इट्स कप शेड लीफ स्वीट नेक्टर, मैंने डिस्कस किया है। व्हाट डू वी कॉल अ प्लांट दैट स्टील्स द फूड ऑफ अनदर प्लांट्स, पैरासाइट्स, और व्हाट ग्रुप ऑफ मशरूम एंड इज क्लासिफाइड इन फंगाई, तुरंत डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में आंसर इन वन सेंटेंस क्वेश्चंस, आपका वन सेंटेंस का जो क्वेश्चन है वो देखिए, कहता है व्हाट इज हैबिटेट, आपने डिस्कस भी किया है हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट का हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं। ये देखिए, ये रहा ई पार्ट का आपका, है द प्लेस वेयर प्लांट्स ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, द प्लेस वेयर प्लांट्स ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन कहता है द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट्स, प्लांट्स अपने आप को हैबिटेट में, जिस जो एबिलिटी होता है प्लांट्स के अंदर हैबिटेट में एडजस्ट करने को, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। बताए व्हाई डू द रूट्स ऑफ अ डेजर्ट प्लांट गो डीप इन टू द अर्थ, व्हाई डू द रूट्स ऑफ ए डेजर्ट प्लांट गो डीप इन टू द अर्थ, हमने आपको डिस्कस भी किया था, द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स गो डीप इन टू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर सर्चिंग के लिए वो नीचे जाता है। वाई आर अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द प्लेन्स, प्लेन्स में बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं, तो मैंने डिस्कस भी किया था, वेराइटी ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द प्लेन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ लाइट वाटर एंड सॉइल, डिस्कस किया था मैंने आपको चैप्टर के अंदर में। आगे कहता है व्हाई इज द अपर सरफेस ऑफ ए लोटस लीफ कवर्ड विथ अ वैक्सी सब्सटेंस, इसको भी मैंने डिस्कस किया है। कहता है द अपर सरफेस ऑफ ए लोटस लीफ कवर्ड विथ अ वैक्सी सब्सटेंस टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम स्टेइंग ऑन देम एंड ब्लॉकिंग द स्टोमाटा, आपको जो लेसन मैं पढ़ाया हूँ आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको करवा दिया गया है, वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद आप लेसन का क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में तैयार